देखिए आज की इस वीडियो में मैं चाणक्य नीति के 10 श्लोक बताऊंगा जिसके अंदर आचार्य चाणक्य ने ये बताया है कि व्यक्ति को बात कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, किसी भी काम को अगर आपने करने के लिए सोचा है तो उस काम को कर लेना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं और किसी को भी पता ना चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि बताने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आपका काम ना हो तो वो उसके अंदर अड़ंगा लगा देता है। इसलिए अगर आपको कोई भी काम करना हो तो बिना किसी को बताए वो काम कर जाइए। दूसरी चीज़, अपने से ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति से विनम्रता पूर्वक और जो अपनों से कमज़ोर हैं उन पर थोड़ा दबाव बनाकर और जो अपने जितने ही ताकतवर हैं उनसे विनम्रतापूर्वक दबाव बना के बात करना चाहिए। इस चीज़ को भी समझना होगा कि सामने वाले ने कितना भी गलत क्यों ना करा हो, आप चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, आपको कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बात हमेशा तमीज़ और तरीके में रहकर कहना है। देखिए बहुत ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधे आदमी को हर कोई नुकसान पहुंचा देता है। आप भले ही सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपकी बात ऐसी होनी चाहिए, आपकी इमेज इस तरह बनी होनी चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि अगर मैंने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ये मुझे बहुत लंबा नुकसान दे देगा। यानी सामने वाला हमें यानी सामने वाला नुकसान पहुँचाने से डरे, इस डर में ही हमारी जीत है। देखिए इंसान नुकसान से कम डरता है, नुकसान हो जाने की बात से ज़्यादा डरता है। हम इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं और इस तरह की इमेज इसलिए बना रहे हैं कि सामने वाला हमें नुकसान पहुंचाने से डरे। अगर किसी के बारे में सोच लिया कि इसको नुकसान पहुंचाना है तो उसको ये कभी मत बोलो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या मैं ये करने वाला हूँ या मैं वो करने वाला हूँ। लेकिन उसको तो नुकसान पहुंचा दो, लेकिन इस तरह से नुकसान पहुंचाओ कि उसको 20 साल के बाद भी ये चीज़ समझ में नहीं आए कि वो बम गिरा कहाँ से था। 8वां श्लोक, देखिए बताया उसको जाता है जो सुनने की इच्छा रखता है, समझाना उसको चाहिए जो समझने की इच्छा रखता हो, सलाह उसको दी जाती है जो सलाह पर अमल करने की सलाहियत रखता हो। अगर सामने वाले में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर चुप रहना ही समझदारी कहलाती है। 9वां श्लोक, मूर्ख, दुष्ट और दुखी, ये तीन तरह के लोगों से हमेशा बचना चाहिए। देखिए मूर्ख व्यक्ति की खासियत ये होती है कि वो ज्ञान पाकर और भी ज़्यादा मूर्ख हो जाता है। दूसरी चीज़, किसी दुष्ट को ज्ञान दो कि उसकी पत्नी को वापस कर दो, उसका खानदान ख़त्म हो जाएगा, वो तुम्हें ही निकाल देगा। और तीसरा, वो जो हमेशा रोता ही रहता हो, ऐसे बंदे से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, वो तुम्हारी सोच भी अपने जैसी बना देगा। तो भले ही आप कितना वैज्ञानिक क्यों ना हो, इन तीन तरह के लोगों से मिलना जुलना करते हो तो आपको प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा, अनिवार्य है। आखिरी श्लोक, इंसान को व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार कुशल होने का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको बात करना आता हो, और व्यवहार कुशल वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये 7 गुण होते हैं। सबसे पहला गुण, अपने परिवार वालों की हमेशा मदद करना। दूसरा, सामने वालों की परिस्थिति समझने की कोशिश करना कि सामने वाला किस परिस्थिति में है, सामने वाला ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तीसरा, दुष्टों के प्रति दुष्टता दिखाना, उनको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करना। चौथा, ज्ञान से भरे लोगों की संगति करना, यानी कि ऐसे लोगों के बीच उठना और बैठना जो हमसे बड़े हैं और हमसे ज़्यादा समझदार हैं और जिनसे सीखने से कुछ नहीं मिलता, जिनके पास बैठ के आपका टाइम और समय बर्बाद हो रहा है, उनके साथ दूरी बनाए रखना। 5वां, माता और पिता, गुरु के साथ
सहनशीलता से पेश आना। कुछ भी कहें चुपचाप सुन लेना। छठा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी भी अपना धीरज नहीं छोड़ना, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। और सातवां गुण, औरतों से समझदारी से बात करना। ज़रा समझदारी को समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के बाद चुप हो जाना समझदारी होती है। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।